अगर आप भी रोज़ यही सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि आज क्या हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएं, तो आज मैं आपके लिए 7 ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। सबसे पहली है सूजी का चीला। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पहले लेंगे एक बाउल में 2 कप सूजी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। देखिए ये भीग चुकी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर 2 से 3 टमाटर का प्यूरी इसके अंदर मिला दिया है। मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक, और आपको जो भी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं उसको बारीक काट के आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये पेस्ट बन के तैयार है हमारा। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है इसके अंदर। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब एक गरम तवे पे थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसको कपड़े से पोंछ लेंगे, और इसका एक मीडियम साइज़ का चीला बना लेंगे। तवा ध्यान रहे कि गरम ही रहना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और इसको ऊपर से फ्लैट कर देंगे। नीचे से पक चुका है तो इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से पकने देंगे। तो देखिए कितनी जल्दी ये सूजी का चीला बनके तैयार है। तो अब नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स सैलेड की रेसिपी है, जिसके अंदर मूंग की दाल, काले चने और सफ़ेद चने हैं, जिसको बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर 1 कप बॉइल्ड ब्रोकली डाल देंगे। अब इसके अंदर हम हरा धनिया 1/2 कप, कुछ मसाले डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा काला नमक, ग्रीन चिली छोटी छोटी काटी हुई है, नींबू का रस 1/2 चम्मच, और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये कितनी हेल्दी, प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई ये सलाद हमारी तैयार है बनके। अब दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स्ड वेजिटेबल टोस्ट की रेसिपी है ये। बहुत ही ईजी है। एक बाउल में लेंगे 1/2 कप बेसन, 1/4 कप सूजी और 1/2 कप दही डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे बस। अब देखिए 10 मिनट के बाद हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ी सी हींग डाल के आपकी मनपसंद की जो भी वेजिटेबल्स आपके पास है उसको बारीक काट के आप इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर, शिमला मिर्च, कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, ये सब इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और मिला लेंगे और एक घोल तैयार कर देंगे। थोड़ा पानी कम लग रहा है तो पानी डाल दिया है इसमें मैंने। देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। अब एक तवे पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लेंगे, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस रख देंगे, और इस तरह से जो बैटर आपने तैयार किया है उसको इस पर बना लेंगे। ये स्प्रेड कर दिया है मैंने अच्छे से बैटर इस पर। एक तरफ से सेक देंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इसको फ्लिप कर देंगे। ध्यान रहे आराम से आप इसको फ्लिप करें। तो दोनों तरफ से इसी तरह से इसको सेक लेंगे। मेरे चैनल पे और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे टोस्ट कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं और कितने हेल्दी हैं। अच्छी तरह से सेक लिया है दोनों टोस्ट को। देखिए हमारे टोस्ट बनके रेडी हैं। इसको हम टमाटो केचप के साथ सर्व करके ले सकते हैं या ग्रीन चटनी के साथ। अब बनाते हैं हम सैंडविच की रेसिपी। 2 ब्राउन ब्रेड ले लें या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड, जो भी आपके पास हो। ग्रीन चिली लगा दिए हैं उस पर।
अनियन के स्लाइसेस रख दिए हैं, और भी कोई वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। टमाटर काट के लगा दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसके ऊपर, थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, दूसरे वाले स्लाइस पे भी थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा दी है। अब इसको कट कर देंगे। देखिए कितनी जल्दी ये सैंडविच बनके तैयार है। अब दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं, ओट्स की टिक्की की रेसिपी। ये भी बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। पहले एक बाउल में लेंगे 1.5 कप ओट्स, इसके अंदर ग्रेट की हुई गाजर, थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स, पालक, जो वेजिटेबल आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो, 2 से 3 उबले हुए आलू मैश किए हुए, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे। कोई और वेजिटेबल अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छे से एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा हल्दी, धनिया का पाउडर, 2 चम्मच बेसन, अब इन सबको डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। अब देखिए ये मिक्सचर तैयार है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के छोटी छोटी टिक्की तैयार कर लेंगे। मेरे चैनल पे और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, वेट लॉस की रेसिपी है, ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़ हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑयल फ्री दावत यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। अब एक गरम तवे पे इन टिक्कियों को लगा देंगे और इनको सेक लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे, फिर फ्लिप कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये टिक्की भी बनके तैयार है। इसको आप नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं और ये सबको बहुत पसंद आएगी टिक्की। देखिए ये भी कितनी जल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसको आप घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं, पोहा की रेसिपी। ये सबसे ज़्यादा नाश्ते में बनाए जाने वाली डिश है। देखिए कितना खिला खिला पोहा बना है। एक पैन में ले लेंगे थोड़ी सी मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मूंगफली भून चुकी है, इसको निकाल देंगे पैन में से। अब 1 बाउल में 1.5 कप पोहा लेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको धो लेंगे, फिर छान लेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रख देंगे छलनी में। एक पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, राई के दाने, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, मिला लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम प्याज बारीक कटा हुआ, 2 मिनट के लिए भून लेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए पोहा कितना खिल गया है हमारा, खिला खिला पोहा हो गया ये। अब इसी पोहा को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप कोई और वेजिटेबल्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं पोहा में। मिला लेंगे इसको अच्छे से, थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें। अगर लगता है कि चिपक रहा है पोहा पैन में तो इस तरह से पानी का छींटा लगा देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे, थोड़ी सी नमकीन भुजिया, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना खिला खिला पोहा बनके तैयार है। तो आप नाश्ते में इसको ज़रूर बनाएं और इसको एंजॉय करें, और ये सबको बहुत पसंद आती है डिश है। चलिए अब हम अपनी अगली रेसिपी को शुरू करते हैं, मिक्स वेजिटेबल वर्मिसली की रेसिपी है ये। एक पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अब इसके अंदर हम कच्ची मूंगफली को भून लेंगे।
आप मूंगफली को रोस्ट करके पहले भी रख सकते हैं। आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, थोड़े से राई के दाने, कड़ी पत्ता, लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे सिर्फ। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, कोई भी वेजिटेबल अगर आप नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। शिमला मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी देर के लिए इसको रोस्ट कर देंगे। गाजर डाल दी है इसके अंदर, कद्दूकस की हुई गाजर है ये, थोड़ी देर के लिए इसको भी भून लेंगे। बॉइल्ड कॉर्न्स है ये, डाल के मिक्स कर देंगे अच्छे से। आपको वीडियो पसंद आती है आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी कुछ हमने मसाले डाल दिए हैं इसको और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारे मसाले पक चुके हैं, देखिए मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब ये रोस्ट की हुई वर्मिसेली इसके अंदर हमने डाल दी है, 1 कप रोस्ट की हुई वर्मिसेली थी तो 2 कप पानी डाला इसके अंदर, मिक्स कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो देखिए ये वर्मिसेली बनके तैयार है। मैंने आपको जितनी भी रेसिपीज़ बताई हैं ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी आपकी ब्रेकफास्ट में। आप कोई भी वेजिटेबल्स डालते हैं तो उनको पहले से ही चॉप करके रख सकते हैं। तो देखिए ये कितनी आसान सी रेसिपी बनके तैयार है। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इनमें से कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और लास्ट तक रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।